हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स के एक और नए लेक्चर में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने रिलीजियस प्लेसेस के सारे एमसीक्यूज खत्म किए थे और आज इस नए वीडियो लेक्चर में हम लोग जितने भी अवार्ड्स हैं या पुरस्कार हैं उसके एमसीक्यूज देखेंगे। बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं उसके बारे में प्रश्न आते हैं कि किस अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे जो गणमान्य व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में देखे जाते हैं। बहरहाल, डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों में से जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि ये एक जो वीडियो कोर्स है पिनाकल टीम के द्वारा आपके लिए डिजाइन किया गया है। ये वीडियो कोर्स आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जो अगले एक साल में बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, इसी साल एसएससी में 37,000 के करीब वैकेंसीज हैं, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए हम लोगों का ये प्रयास है कि आपकी जो तैयारी है उसमें कोई भी कसर ना रहे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं इस बार एसएससी में जो जनरल स्टडीज़ का वेटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जनरल स्टडीज़ की जो तैयारी है वो उसकी जो मापदंड है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आपको जनरल स्टडीज़ की तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने आपके लिए जनरल स्टडीज़ की तैयारी थोड़ा सा सरल बनाने का प्रयत्न किया है। इसके लिए आप अपने स्क्रीन पे जो किताब देख रहे हैं, ये किताब भी इसी पर्पज से हमने लॉन्च किया है और काफ़ी लव्ड बुक है, आपके द्वारा आप लोगों के द्वारा काफ़ी लाइक की जा रही है। इसके साथ साथ ये वीडियो कोर्स भी है और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग में से कोई विद्यार्थी अगर इस वीडियो कोर्स को और इस बुक को अच्छे से कम्प्लीट करके एग्जाम देने जाएगा तो उसका स्कोर जो है वो टायर वन हो या टायर टू हो, जनरल स्टडीज में निश्चित ही बढ़ेगा। तो ये वीडियो कोर्स आप हमारे वेबसाइट से या हमारे एग्जाम प्रिपरेशन ऐप से परचेज कर सकते हैं और ये बुक जो है आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे इजिली अवेलेबल है, आप वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। कई बार आप लोग शिकायत करते हैं, मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर बुक अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो ऐसा होता है क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा बिक रही है तो कभी कभी स्टॉक खत्म हो जाता है। फिर भी अगर ये बुक आपको एकदम नहीं मिले तो आप अपने बुक स्टोर पे अगर इसको आपने ऑर्डर प्लेस किया है, उनको रिक्वेस्ट किया है, वो अगर नहीं मंगा पा रहे हैं तो आप हमारे वेबसाइट से इस बुक को इजिली ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें ये बहुत आसान है और लेकिन इसमें थोड़ा सा डिलीवरी होने में टाइम लगती है, इसलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कोशिश कीजिए कि बुक जो है आप नियरेस्ट बुक स्टोर से ही लें, ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन पे आपको बुक अच्छे से नहीं दिख रही होगी, मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इंग्लिश वाली बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है और बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्रिंट क्वालिटी, पेजेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बुक होती है उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण हमें इंटरेस्ट नहीं आ पाता, इसलिए हमने उस चीज़ों का भी ख्याल रखा है। ये देखिए, यही बुक सेम हिंदी में भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। तो अभी ये तो हो गया बुक की बात। इस वीडियो कोर्स को प्लीज आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। मैं लास्ट लेक्चर्स में बोलता रहा हूँ कि वीडियो का मल्टीपल जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे आशा है कि आप अपने तरफ से पूरी एफर्ट लगा रहे होंगे क्योंकि अब एग्जाम आपका काफी नजदीक है, ठीक है। तो अब मुझे पूरा ये भी उम्मीद है कि कोई भी विद्यार्थी इस बार थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएगा तो उसका जो टायर वन एग्जाम है वो इजिली क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो टायर वन एग्जाम का कट ऑफ होगा वो काफ़ी नीचे जाने वाला है। इसलिए हिम्मत रख के पूरे अच्छे से तन मतलब पूरा एफर्ट लगा के आप तैयारी कीजिए सो दैट यू कैन क्वालिफाई टायर वन। देखिए, टायर वन अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर टायर टू के लिए हम लोग नए सिरे से
मेहनत करेंगे, ठीक है। अभी टायर वन का पर्पस रखे टायर वन क्वालिफाई कीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के आज के अवार्ड्स के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अवार्ड्स के क्वेश्चन हम लोग आज पूरे क्वेश्चन देखेंगे। आज हम अवार्ड्स के कोशिश करेंगे कि उसके आसपास के जो फैक्ट्स है उसको भी याद करते चले, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी एंड इजी कैचिंग इन एग्जामिनेशन, ठीक है। जो क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आपके सामने आए तो आपके लिए काफी आसान हो जाए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है पुरस्कार से रिलेटेड वो ये है कि साउथ इंडियन फिल्म डांस कोरियोग्राफर, एक साउथ इंडियन के डांस कोरियोग्राफर है जिनका नाम है के शिवशंकर, उन्होंने एक प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है 2010 में बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए। एक उनकी तेलुगु फिल्म है मगधीरा, उसके लिए आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अवार्ड है जो ये जीते थे, बताइए। नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड या गिल्ड अवार्ड, बताइए। 2010 में ये देखिए, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2010 में ये अवार्ड जीते थे, मतलब 12 साल पुराना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं होती है, आप इंटेलिजेंट गेस से क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है नेशनल अवार्ड, ठीक है। नेशनल जो पुरस्कार है, दो राष्ट्रीय पुरस्कार है, वो इनको मिला था, ठीक है। अच्छा, 2021 का अगर 2021 में जो अवार्ड मिला है वो मिला है राजू सुंदरम, ठीक है। कौन सी मूवी के लिए? महर्षि मूवी के लिए, ठीक है, महर्षि मूवी के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1926 फॉर हिज वर्क ऑन द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। 1926 में पदार्थ की असंतन संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था, वो कौन थे बताइए। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पे रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज और फिजिक्स भौतिकी का नोबेल प्राइज, आप जानते हैं नोबेल प्राइज बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये आसानी से किसी को नहीं मिलता है। आपको बताना है कि ये जो डिसकंटिन्यूअस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है, इसके लिए 1926 में किसको नोबेल प्राइज दिया गया था भौतिकी का। इनका जो नाम था वो नाम था जीन बैप्टाइज पेरिन, ठीक है। जीन बैप्टाइज पेरिन को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में रिसर्च के लिए 1926 का भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। चूंकि आप करंट अफेयर्स में इसको करेंगे फिर भी, लेकिन मैं आपको फिजिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया है तो मैं फिजिक्स आपको बताता हूँ। ये तीन लोगों को मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर, जॉन क्लोजर और एंटोन जी लिंगर, एंटोन जी लिंगर, ठीक है। ये तीन आदमी को बहुत ही नोबेल पुरस्कार 2022 में मिला है, इसको भी याद रखिएगा। करंट का क्वेश्चन है, करंट वाले क्वेश्चन में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Who among the following personalities also associated with poetry and music has been conferred with the Nobel Prize? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से भी जुड़ा है उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन चारों में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो रुझान है वो म्यूजिक और कविता जो कि पोएट्री की तरफ भी है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, आपको बताना है इनका नाम क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल रॉय, बंकिम चंद चटर्जी या पुरंदर दास। आप सभी जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था और इसका आंसर भी नोबेल प्राइज का जो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, और इनका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक और पोएट्री दोनों जगह था, ठीक है। और आपको पता है इनको नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला था किस नोबेल के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया है इसको, गीतांजलि एक इनकी नोवेल है उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, लिटरेचर का, लिटरेचर का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। अच्छा, एक फैक्ट जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देश का नेशनल एंथम लिखा है, एक तो इन्होंने लिखा है भारत का और दूसरा बांग्लादेश का,
दोनों देशों का नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल बुकर प्राइज एस्टेब्लिश्ड। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, 2005, 1969, 1981 या 1918। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। यस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005। ठीक, और 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है वो किसको मिला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिला है गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री। आप लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा इसको, और आपसे ये प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है, आपको इनका जो कार्य है, जिस कार्य के लिए इनको ये प्राइज मिला है, उसका नाम देखिए आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसने इसकी संरचना की है, इसकी रचना की है। तो किस बुक के लिए इनको मिला है ये प्राइज, तो ये मिला है इनको टॉम ऑफ सैंड के लिए। टॉम ऑफ सैंड के लिए इनको मिला है क्या इंटरनेशनल बुकर प्राइज, किस साल का, 2022 का। ठीक है, और बुकर प्राइज की स्थापना जो है 2005 में की गई थी। ठीक है, याद रहेगा इतना। करंट से जोड़ के भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और इस तरह के अवार्ड वाले क्वेश्चंस तो जनरली पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि टॉम ऑफ सैंड के राइटर कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आप जानते हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि ये इनमें से कौन इसके पहले पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है, इट रिकग्नाइज द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपके जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकग्नाइज करते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। और जो पहले पर्सन थे जिसको ये अवार्ड मिला था वो थे के एस कृष्ण को पहली बार शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिसिप्लिन इज द विधान चंद्र रॉय अवार्ड गिवन। एक पुरस्कार है जिसका नाम है विधान चंद्र रॉय पुरस्कार, किस विषय में इस पुरस्कार को दिया जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, लॉ के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स या मेडिसिन। यस, किस क्षेत्र में विधान चंद्र रॉय पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, ये अवार्ड जो है मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिए, मेडिसिन वाले अवार्ड बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इसको प्लीज आपको ध्यान रखिएगा, विधान चंद्र रॉय जो अवार्ड है वो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और ये अवार्ड जो है 1962 में इसका गठन हुआ था और 1962 से दिया जा रहा है। ठीक है, आर्किटेक्चर का आपको अवार्ड मैंने बताया है, प्रिट्जर प्राइज जो है वो आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, स्पोर्ट्स का आपको पता है ध्यानचंद अवार्ड, जो राजीव गांधी अवार्ड था उसको अब ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से जाना जाता है। तो कुछ जो इस तरह के अवार्ड्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स के, उसको हमें बिल्कुल याद करके एग्जाम में जाना चाहिए। ठीक है, जब तक आप हथियार से लैस नहीं रहोगे, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, तो आप कैसे फाइट करोगे। आपने गेम, आप मान लो क्रिकेट खेलने गए फील्ड में और आपके पास बल्ला नहीं है, आपके पास बैट नहीं है, तो हाउ विल यू प्ले, आप खेल नहीं पाओगे ना। इसलिए एग्जाम में तैयारी करके ही जाना चाहिए, आपको चीजों को, हर एक टॉपिक को कुछ ना कुछ तैयारी करके जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट एन ऑस्कर अवार्ड। पहला भारतीय जिसने ऑस्कर अवार्ड पाया है उसका नाम आपको बताना है, भानु अथैया, सत्यजीत रॉय, एआर रहमान या रसूल पुकुट्टी। बताइए, पहला इंडियन जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, आपका नाम आपको बताना है। इनके बारे में मैं पहले भी आपको पर्सनालिटीज में डिस्कस कर चुका हूं इनके बारे में, और बेसिकली ये एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे,
ठीक है, जिसके लिए इनको अवार्ड भी मिला था। और इनको जो ऑस्कर मिला था वो मिला था 1983 में फॉर मूवी गांधी, एंड हिज नेम वॉज भानु अथैया। भानु अथैया को मिला था गांधी मूवी के लिए 1983 में ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू परफॉर्मिंग आर्ट्स हैज बीन कन्फर्ड ऑन द आर्टिस्ट सिंस द ईयर। कितना बड़ा सवाल है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पूछा जा रहा है कि संगीत नाटक अकेडमी जो है वो कब से दिया जा रहा है, आपको यही बताना है। आपके सामने 4 वर्ष दिए गए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर, 1950, 1961, 1952 या 1959। यस, कब से दिया जा रहा है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पता है आप? परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, प्रदर्शन कला। देखिए यहाँ प्रदर्शन कला के लिए अवार्ड दिया जाता है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, और ये जो अवार्ड है जो वो है 1952 से दिया जा रहा है, ठीक है, 1952 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगले प्रश्न को लेते हैं, द गीतांजलि लिटरेरी प्राइज इज अवार्डेड इन एसोसिएशन विद विच कंट्री, ठीक है, गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है, बताइए, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या यूएस। ठीक है, गीतांजलि लिटरेसी अवार्ड जो है वो किस कंट्री के सहयोग से दिया जाता है, उसके प्राइज में अमाउंट में कुछ कंट्रीब्यूशन होता होगा या बहुत सारे कंट्रीब्यूशन होंगे। जब भी इस तरह के किसी कंट्री के सहायता से कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उसका एक पर्पस ये होता है कि हमारे देश का जो कला है उसको उनके देश में उसको थोड़ा सा प्रसिद्ध करना, और उनके देश के जो कला है वो हमारे देश में उसको प्रसिद्ध करना, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है वो दोस्तों वो फ्रांस के हेल्प से दिया जाता है, ठीक है, गीतांजलि लिटरेसी अवार्ड जो है वो फ्रांस की मदद से दिया जाता है, याद रहेगा आपको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, द अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड इज गिवन फॉर, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस के लिए दिया जाता है, ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एनर्जी प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड, ठीक, राष्ट्रीय पुरस्कार है ये अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे, और ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी और वाइल्ड जो फौना है उसके प्रोटेक्शन करते करते इनका डेथ भी हो गया था, तो ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, याद रहेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इन विच ईयर डिड अमृत सेन रिसीव्स नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स। अमृत सेन को आप सभी जानते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं ये, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनको जो नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स मिला है वो किस वर्ष मिला है, बताइए, किस वर्ष मिला है इनको जो नोबेल प्राइज मिला था, वो मिला था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब, वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब जो आम जनता है उसके वेलफेयर के लिए इकोनॉमिकल जो टर्म था, इकोनॉमिकल जो कॉन्सेप्ट थे, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट था उससे रिलेटेड इन्होंने काम किया था। इनका मानना यह था कि जो इकोनॉमिक्स जो एक देश का होता है, एक दुनिया का होता है, वो तो होता ही है, लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा होना चाहिए किसी देश का इकोनॉमिक कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो सिटीजनशिप है, उनको इसका प्रभाव पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये अवार्ड जो मिला था वो मिला था 1998 में। अमृत सेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच था जिसको हम लोग कहते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच। अमृत सेन एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो फ्रीबीज में विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप जानते हैं कि आज बहुत सारी चीज इंडिया में सब्सिडी पे मिलती है, आप जानते हैं, जैसे कि बिजली हो गया, राशन हो गया, बहुत सारी चीज, सिलेंडर हो गया, वो बहुत सारी चीजें जो है हमें सब्सिडी पे मिलता है, कम रेट पे मिलता है, उसके लिए सरकार बहुत सारा खर्च वहन करती है। अमृत सेन का मानना था कि हमें कैपेबिलिटी मतलब हमें किसी एक इंसान की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, उसके कैपेसिटी को इतना बढ़ा दो, उसका इसको इतना योग्य बनाओ कि वो अपने लिए वो सब सारी चीजें खुद खरीद सके,
वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब हम फ्री में कोई चीज बांटते हैं तो सामने वाला इंसान डिपेंडेंट हो जाता है। इस डिपेंडेंसी के ये खिलाफ थे और ये कहते थे कि उनकी जो क्षमता है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी है, कुछ खरीदने की क्षमता है, उसको बढ़ाइए, जो कि चूंकि वो जो होगा वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी अप्रोच था मेडिसिन को और इसको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स का 1998 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड आप जानते हैं, इसका जो पहले रिसिपियंट थे, प्राप्तकर्ता थे, उनके नाम आपको बताने हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, जेआरडी टाटा, सत्येंद्र नाथ बोस, हरगोविंद खुराना या जॉन मथाई। बताइए पहले कौन से व्यक्ति थे जिनको पद्म विभूषण, आप जानते हैं भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण का ही नाम आता है, उसके बाद पद्म भूषण या पद्मश्री। आपको बताना है कि पहले पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्ति वो कौन थे। बेसिकली पहली बार जब पद्म विभूषण दिया गया था तो वो 6 व्यक्तियों को दिया गया था और इन 6 में से केवल एक का नाम यहाँ पे चारों ऑप्शन में दिया गया है और वो नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, बाकी 5 के नाम भी मैं आपको बताता हूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नंदलाल बोस, ये एक दूसरे व्यक्ति थे जिनको पद्म भूषण मिला था। उसके अलावा जाकिर हुसैन को भी मिला था पद्म भूषण। उसके बाद बाला साहब गंगाधर खेर, इनको भी उसी साल पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, इन सबको अवार्ड जो मिला था वो 1954 में मिला था, 6 लोग। ठीक है, इसके अलावा वीके कृष्णा मेनन, इस नाम से आप लोग परिचित होंगे, वीके कृष्णा मेनन। और इसके अलावा जो एक व्यक्ति और थे वो थे जिग्मे दोरजी वांगचुक। ठीक है, ये टोटल 6 लोगों को 1954 में पहली बार पद्म विभूषण से नवाजा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, पिल्जर प्राइज इज कॉमनली नोन एज नोबेल प्राइज गिवन फॉर द फील्ड ऑफ, इसको मैंने डिस्कस किया था आपके सामने। बताइए किस फील्ड में इस पुरस्कार को दिया जाता है। पिल्जर प्राइज, ठीक है, इस प्राइज का जो गठन हुआ था, अगर मैं कहूँ कि कब से दिया जा रहा है, तो ये हुआ था 1979 में, किसके द्वारा, जे एंड सिंडी, ये सी है, जे एंड सिंडी प्रिजर। ठीक है, और ये जो है आपको पता है ये आर्किटेक्चर के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक, आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा अवार्ड है प्रिजर प्राइज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, विच क्लासिकल डांसर एमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट रिसिपियंट ऑफ पद्म भूषण इन 1992। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नर्तक 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाला था। मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोहना नारायण या सोनल मानसिंह। बताइए सबसे कम उम्र में पाने वाला पद्म अवार्ड, जो पद्म भूषण अवार्ड है वो सबसे कम उम्र में पाया था इन्होंने। इनके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये बेसिकली 2 डांस में एक्सपर्ट, भारतनाट्यम, आपको मैं क्लू दे रहा हूं बताइए, और उड़ीसी। यस, भारत और उड़ीसी के कौन डांसर हैं चारों में से। यस, द राइट आंसर इज सोनल मानसिंह। ठीक है, सोनल मानसिंह जो है सबसे कम में पद्मभूषण अवार्ड पाने वाली नृत्यकी थी, क्लासिकल डांसर थी। ठीक है, और भारतनाट्यम उड़ीसी दोनों में ये डांस करती हैं, दोनों की इनकी इनकी एक्सपर्टीज है दोनों डांस में। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक सॉन्ग्स एंड डांसेस वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेशन लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन 2010। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत और नृत्य, आप ध्यान दीजिएगा क्लासिकल की बात नहीं हो रही, लोकगीत और नृत्य की बात हो रही है, 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था। ठीक है, आपको बताइए, मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी कराया हुआ है, आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, कलबेलिया, वी हैव डिस्कस कलबेलिया।
कैबेरिया डांस जो है यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में 2010 में ये शुमार हुआ था। राजस्थान में कुछ और डांस हैं जैसे कि गैर और चारी भवाई भी एक राजस्थान का डांस है। ठीक है, डांस को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ डिटेल में पहले के लेक्चर्स में। ठीक, अभी अवार्ड्स को देखेंगे तो कलबेलिया को ध्यान में रखिएगा, आपको यूनेस्को में इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लाइफ में इसको सुमेलित कर लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द रमन मैग्सेसे अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? रमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत पॉपुलर अवार्ड है, आपको बताना है कि किस साल ये एस्टेब्लिश की गई थी। बताइए, रमन मैग्सेसे अवार्ड किस साल एस्टेब्लिश किया गया था? यस, 1957। और ये जो रेमन मैक्सिस है ये एक्सक्यूज मी, फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे। ठीक, ये रेमन मैक्सिस थे, वो फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे और ये बेसिकली ये अवार्ड इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस या करेजियस करेजियस सर्विस के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। ऐसे बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको अवार्ड मिला है। बेसिकली गवर्नेंस में जो इंटीग्रिटी दिखाता है, आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, आप पॉलिटिकल पोस्ट में हो, अगर आप इंटीग्रिटी दिखाते हो, आप ईमानदारी दिखाते हो तो आपको ये अवार्ड मिलने के चांसेस होते हैं। या करेजियस सर्विस दिखाते हो, जैसे कि आपको पता है जैसे कि बहुत सारे विसल ब्लोअर्स होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं जो आम जनता के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के हेल्प करते हैं, उनको मदद करते हैं, वैसे व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ICTP रामानुज प्राइज इज अवार्डेड एनुअली फॉर एक्सलेंस इन। ICTP का रामानुजन पुरस्कार जो है किस फील्ड के उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। बताइए, ICTP रामानुज प्राइज जो है वो अवार्डेड एनुअली फॉर एक्सलेंस इन विच फील्ड? ICT का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल थियोरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, और ये इटली में है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स इटली में है। और ये जो अवार्ड है ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ये अवार्ड ICTP रामानुज अवार्ड, जानते हैं रामानुज बहुत बड़े गणितज्ञ थे भारत के, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये 2005 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, दीननाथ मंगेशकर अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड या शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड हमने डिस्कस किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये 1958 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। ठीक है, ये अवार्ड ध्यान रखिएगा, ये CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द अर्जुना अवार्ड आर गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स
एंड गेम्स इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। ठीक है, आपको अवार्ड के बारे में बताया गया कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल और खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। ये किस वर्ष स्थापित किए गए थे आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1969, 1956, 1961 या 1947। यस, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1961। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1961 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस अवार्ड्स द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेस। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, नॉर्वेलियन नोबेल कमिटी, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस या स्वीडिश एकेडमी। नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक साइंसेस के लिए मिलता है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसको अवार्ड देती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो है वो नोबेल मेमोरी प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द नोबेल द अवस्थीज ऑफ अमनागिरी। ठीक है, एक उपन्यास है द अवस्थीज ऑफ अमनागिरी नामक उपन्यास जो है उसको किसने लिखा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, सुभा शर्मा, देवाशीष पणिग्रही, सरबजीत सिंह या चेतन भगत। ठीक है, ये नोवेल है द अवस्थीज ऑफ अमनागिरी, इसके राइटर कौन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, इसके जो राइट आंसर है वो है सुभा शर्मा। सुभा शर्मा इज द राइट आंसर एंड सी इज एन आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर ऑफ 1999 बैच। ये सेक्रेटरी ऑफ हैंडलूम थी लेकिन अभी कुछ महीने पहले इनका ट्रांसफर हुआ है, नाउ सी इज सेक्रेटरी / कमिश्नर इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में इस सेक्रेटरी के पोस्ट पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये स्थापित हैं और इन्होंने ही ये किताब लिखा है अवस्थीज ऑफ अमनागिरी। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगले प्रश्न को देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। देखिए, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको मैंने कई बार बताया है कि ये क्वेश्चन अच्छी बात है, अब आपको याद हो जाएगा। दिस अवार्ड इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप याद रखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो शांति स्वरूप। ये दूसरी बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया अभी तुरंत और टोटल तीसरी बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, आप जानते हैं CSIR ये अवार्ड देती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो ये इजी क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू हैव वन द पुलित्जर प्राइज। ठीक है, पहले भारतीय का नाम बताना है जिसने पुलित्जर प्राइज जीता है। बताइए, आपके सामने चार ऑप्शन, गोविंद बिहारी लाल, संघमित्रा कारिता, झुंपा लहरी या गीता आनंद। यस, फर्स्ट इंडियन टू विन पुलित्जर प्राइज। मैं आपको बता दूं कि ही इज एन इंडियन अमेरिकन, ये इंडियन अमेरिकन है एंड ही इज ए जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट। ही इज जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट और इनको ही पहली बार ये पुलित्जर प्राइज मिला है एंड हिज नेम इज गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, गोविंद बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज गिवन टू। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, बालचंद निमाडे, अक्कीधम अच्युतम नंबोत्री, अमिताभ घोष या रघुवीर चौधरी। बताइए क्या होगा राइट आंसर। दिस अवार्ड द 55th ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज गिवन टू अक्कीधम अच्युतम नंबोत्री और ये एक पोएट थे मलयालम लैंग्वेज के पोएट थे। ठीक हो, और इनको ये 55th ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था और इन्होंने तकरीबन 55 किताब लिखी है।
हम अपने जीवन काल में एक किताब पूरी नहीं पढ़ पाते हैं। और देखिए यहाँ लोग ऐसे ऐसे हैं राइटर जो 55-55 किताब लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर बहुत ज़बरदस्त क्षमता होती है, कहीं ना कहीं हम ही उस अपनी क्षमता को दबाते हैं, हम उसको विकसित नहीं होने देते हैं। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को, अपनी क्षमता को चैनलाइज कीजिए। आपने देखा होगा कि जो चैनलाइज एनर्जी होती है वो बहुत ताकत होता है उसके अंदर, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो मुझे पूरा आशा है कि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में सही जगह पे लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा साइंस में कहा जाता है कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी वेस्टेड। हमारी बॉडी में भी लिमिटेड एनर्जी होती है, तो प्लीज़ उसको पढ़ाई में अच्छे ध्यान से लगाइए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न रिसिपियंट। निम्न में से किन्हें भारत रत्न पुरस्कार कभी भी नहीं मिला है? आपके सामने चार ऑप्शन है, खान, अब्दुल गफार खान, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला या बलदेव सिंह। यस, बताइए क्या होगा राइट आंसर। इनमें से किनको कभी भी भारत रत्न नहीं मिला है? इसका जो राइट आंसर है वो है बलदेव सिंह, ठीक है। बलदेव सिंह को आप जानते हैं, बलदेव सिंह वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इन जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट, ठीक है। भारत के पहले जो थे ये डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह, और इनको भारत रत्न कभी नहीं मिला है, ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला सवाल लेते हैं, द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इज अकॉर्डेड बाय द, राष्ट्रीय अखंडता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, HRD डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, बताइए। यस, दिस अवार्ड हैज बीन गिवन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, INC जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल। और बेसिकली ये 5 लाख कैश इस अवार्ड में दिया जाता है, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन में 5 लाख जो कैश पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज अकॉर्डेड एनुअली बाय, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न आप जानते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए लिखा गया है, ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो चुका है। अब आपको बताना है कि किसके द्वारा ये अवार्ड प्रतिवर्ष दिया जाता है। यस, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है, दिस अवार्ड हैज बीन गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो दिया जाता है। इसको पहले हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जानते थे। अगले प्रश्न को लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज रिसिपियंट ऑफ इन ओवरऑल इन्फोसिस प्राइज फॉर सोशल साइंस हिस्ट्री 2009। सामाजिक विज्ञान इतिहास 2009 के लिए पहले इन्फोसिस पुरस्कार के प्राप्तिकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अमलान दत्ता, कृष्णा कुमार, हरि वासुदेवन या उपेंद्र सिंह, बताइए क्या होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज रिसिपिएंट ऑफ इनॉग्रल इन्फोसिस प्राइज ऑफ सोशल साइंस इन हिस्ट्री 2009। यस, तो राइट आंसर इज उपेंद्र सिंह, ठीक है, इज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री उपेंद्र सिंह, और इन्हीं को ये अवार्ड जो था वो मिला था उपेंद्र सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। भौतिकी का पहला नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था, ये आपको बताना है। आपके सामने हमेशा की तरह चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन वो भारतीय हैं जिनको पहले बार भौतिकी का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या वेंकट रमन रामकृष्णन, हर गोविंद खुराना या चंद्रशेखर विकट रमन, बताइए क्या होगा राइट आंसर। पहली बार नोबेल प्राइज मिला था, और जिस भारतीय को मिला था ये मिला था 1930 में, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इनको मिला था ये अवार्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, ये अवार्ड इनको दिया गया था, ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला सवाल लेते हैं, द अशोक चक्र क्लास 3 वॉज रिनेम्ड एज विच अवार्ड। ये जो अवार्ड है इसको पहले अशोक चक्र क्लास 3 के अवार्ड से नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको 1967 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है
और आपको ये बताना है कि इसका नाम जब चेंज कर दिया गया तो उसका नाम क्या था, बताइए। कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र या महावीर चक्र? यस, अशोक चक्र क्लास 3 का अवार्ड का नेम चेंज करके 1967 में क्या रखा गया था, तो इसका नाम रखा गया था शौर्य चक्र। ठीक है, शौर्य चक्र इसका नाम रख दिया गया था और जो क्लास का डिवीजन है ये खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द सुल्तान अजलान शाह कप हेल्ड एवरी ईयर? आपको बताना है कि सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हर एक वर्ष कहाँ पे आयोजित होता है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, मलेशिया, इंडिया, साउथ कोरिया, जर्मनी। बताइए कहाँ होता है ये जो कप हर एक वर्ष? यस, बिल्कुल सही, ये होता है मलेशिया। ठीक है, इट हैपेंस इन मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट वन द नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज इनफैक्ट? आपको बताना है कि वो कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। काफी यूनिक सा क्वेश्चन है, मैं आपको इसके बारे में फैक्ट बताऊंगा। बिल गेट्स, जॉर्ज वाशिंगटन, बराक ओबामा या अब्राहम लिंकन? यस, ही वॉज अवार्डेड, द पर्सन वॉज बराक ओबामा। ठीक है, 2009 में जो आदमी प्रेसिडेंट पोस्ट लिए चुना गया था उसको ये प्राइज कैसे मिल सकता है, आप सोच रहे हैं? मतलब दो चार महीने में आपने ऐसा क्या कर दिया कि नोबेल प्राइज दिया गया था? तो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय कि इनको ये नोबेल प्राइज क्यों मिला है। तो हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हम कहते थे कि इनको ना अवार्ड पहले ही दे दिया गया है। जैसे कि मान लो कि आपको अवार्ड दे दिया गया कि ही इज द बेस्ट पर्सन ऑफ हिज फैमिली, आप अपने फैमिली के सबसे अच्छे व्यक्ति हो, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे एक माइंड पे मानसिक प्रेशर बनता है कि हमें सबसे अच्छा व्यक्ति बन के दिखाना है। ठीक है, तो हम ये बात करते थे कि इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया था कि इनको कुछ वर्ल्ड अफेयर्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऐसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जिसको इनको जाके चल के इनको जो अवार्ड इनको मिला है उसको जस्टिफाई कर पाए कि हमको जो पीस अवार्ड मिला है इसको हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 2009 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा को ये प्राइज दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, बहुत सारे अवार्ड में बहुत पॉलिटिक्स भी होती है, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अवार्ड गिवन टू द बेस्ट कोच अमंग कोचेस ऑफ ऑल द डिफरेंट गेम्स इज नोन एज? बताइए, सभी भिन्न खेलों में प्रशिक्षकों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता? यस, वो अवार्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? अशोक चक्र, अर्जुन चक्र, द्रोणाचार्य और फाल्के अवार्ड। गिवन टू द बेस्ट कोच अमॉन्ग द कोचेस, इसको कहते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, और इसमें बेसिकली एक स्टैचू मिलता है ब्रोंज का द्रोणाचार्य का, ब्रोंज स्टैचू मिलता है, प्लस 10 लाख अवार्ड मिलते हैं, 10 लाख कैश अवार्ड मिलता है, एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, और इसके अलावा मिलता है एक सेरेमोनियल ड्रेस, एक सेरेमोनियल ड्रेस मिलता है द्रोणाचार्य अवार्डी को। तो याद है आपको, बेस्ट कोचेज ऑफ कोचेज को ये अवार्ड मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न, द हाईएस्ट इंडियन ऑनर दैट कैन बी गिवन टू सिविलियंस? भारत में नागरिकों को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न सबसे पहले किस गैर भारतीयों को दिया गया था, आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, बताइए क्या होगा राइट आंसर। पहली बार गैर भारतीयों को, तो ये मिला था अब्दुल गफार खान। ठीक है, और अब्दुल गफार खान के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ये इतिहास वाले में भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में कंप्लीट एग्जाम पूछा जाता है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी था, इनका नाम था खुदई, आप लोग को पता होगा इसका नाम, कीमतगर, खुदई कीमतगर नाम के इनके ऑर्गेनाइजेशन था। बेसिकली स्प्रेड, वो अवेयरनेस को स्प्रेड करते थे, जागरूकता को बढ़ाते थे इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। और इनको जो अवार्ड मिला था वो मिला था कब, 1987। ठीक है, पहले नॉन इंडियन थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था, खान अब्दुल गफार खान को। ठीक है, जिनको हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज प्रॉपर्ली नोन एज फाउंडिंग आयरन। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आप जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो होगा अब्दुल गफार खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम डिड महात्मा गांधी गिव द टाइटल ऑफ दीन बंधु। महात्मा गांधी ने किसे दीन बंधु की उपाधि दी थी, आपको बताना है कि महात्मा गांधी किसको दीन बंधु कहे थे। ठीक है, जो कि दीन बंधु मतलब गरीबों का दोस्त। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, सी एफ एंड्रयूज, अब्दुल गफार खान या राजेंद्र प्रसाद, बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सी एफ एंड्रयूज। ठीक है, सी एफ एंड्रयूज को गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सबसे पहले व्यक्ति या सबसे पहले विजेता वो कौन थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, बताइए। यस, हिज नेम वाज विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, जिसको अब हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न को लेते हैं, विच अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट कोच इन द स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ये क्वेश्चन भी बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए इसका। कोचेज के लिए, बेस्ट कोचेज के लिए एक ही अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे भी आप इसको सही कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फर्स्ट जिमनास्ट टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। पहली जिमनास्ट जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया, आपके सामने चार ऑप्शन है, अनंत राम, अरुणा रेड्डी, आशीष कुमार या दीपा कर्माकर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। इस जिमनास्ट ने भारत के लिए बहुत नाम कमाए हैं, उनका नाम है दीपा कर्माकर। ठीक है, और बहुत अलग अलग तरह के ये इन्होंने एक जज्बा दिखाया है, और जिस तरह से बाहर जाके भारत के लिए लड़ा है इन्होंने और भारत के लिए नाम रोशन किया भारत का, और वो उसके लिए कितना भी सराहना किया जाए वो कम है। दीपा कर्माकर सी कम्स फ्रॉम त्रिपुरा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि दीपा कर्माकर जो एक जिमनास्ट है वो किस स्टेट को बिलोंग करती है, ध्यान रखना सी बिलोंग टू त्रिपुरा। ठीक है, और पहली बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, मैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट आपको बता दूं इनके बारे में, 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, कॉमनवेल्थ में, और ये कहाँ हुआ था, ग्लासगो में। ग्लासगो में पहली बार इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, और उस समय ये काफी लाइमलाइट में आए थे। उसके बाद इन्होंने एक अलग सा कर्तव्य दिखाया, उसको कहते हैं प्रोडू नोवा वर्ल्ड। आपको पता है वर्ल्ड में ये एक बेसिकली टेक्निक है जिमनास्ट में, जिसको करना बहुत टफ होता है, प्रोडोनोवा वर्ल्ड उसको कहते हैं, आप देख सकते हैं इसके बारे में। इनफैक्ट दीपा कर्माकर का आप यूट्यूब पे देख सकते हैं जब वो प्रोडोनोवा वर्ल्ड करती हैं, और पूरे वर्ल्ड में केवल 5 महिलाएं इसको कर पाई हैं आज तक, जिसमें से एक हैं दीपा कर्माकर। कितनी प्राउड की बात है, हमारे इंडिया से एक शामिल है उस जिमनास्ट टेक्निक में जो सब कोई नहीं कर पाता है, और एक है उसमें से दीपा कर्माकर। तो इन्हें ही पहली जिमनास्ट है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, द पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग एवरी ईयर। पद्म पुरस्कार हर साल किसके आसपास घोषित किए जाते हैं, आपके सामने चार ऑप्शन है, रिपब्लिक डे के आसपास, हिंदी दिवस के आसपास, सद्भावना दिवस के आसपास या स्वतंत्रता दिवस के आसपास, बताइए कब अनाउंस होता है पद्म अवार्ड जो होते हैं, जो पद्मश्री पद्मभूषण दिए जाते हैं, आपको याद है कब अनाउंस किए जाते हैं ये। यस, बिल्कुल सही, ये रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में अवार्ड जो है अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द शास्त्र रामानुजम प्राइज इज अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है, आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, लिटरेचर, डांस, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री, बताइए शास्त्र रामानुजम प्राइज जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इट इज गिवन इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, और ये अवार्ड जो है 2005 से दिया जा रहा है। ठीक है, शास्त्र रामानुजा प्राइज अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिजर प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। ये क्वेश्चन कितना आसान है, ये क्वेश्चन हम लोग 3 बार देख चुके हैं, इससे आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को प्लीज आप गलत मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी बार मैंने आपको बताया इसको,
दिस अवार्ड इज द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में जो प्रिजर प्राइज है इसको दिया जाता है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको याद भी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फर्स्ट एक्टर टू विन ऑस्कर अवार्ड, वो पहला अभिनेता कौन है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, ये आपसे पूछ रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, वार्नर बैक्स्टर, इमेल जेनिंग्स, लायन बैरीमोर या चार्ली चैपलिन। फर्स्ट एक्टर टू विन ऑस्कर अवार्ड, यस द राइट आंसर इज इमेल जेनिंग्स। इमेल जेनिंग्स को पहली बार ऑस्कर अवार्ड मिला है एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट एक्टर टू रिसीव दैट अवार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हैव बीन अवार्डेड द युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, भावना कंठ, शालिजा धामी, मिंटी अग्रवाल या अपर्णा कुमार। यस बताइए, युद्ध सेवा मेडल, ठीक है, ये याद रखिएगा, युद्ध सेवा मेडल आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दैट अवार्ड। यस द राइट आंसर इज मिंटी अग्रवाल, ठीक है, मिंटी अग्रवाल वो पहली महिला है जिनको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1968, निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1968 में, आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, बताइए क्या था उनका नाम। देखिए जब भी कोई पुराना पुरस्कार पूछा जाता है, अगर आपको नहीं भी आता है तो उस चीज में आपको जो सबसे पॉपुलर व्यक्ति लगे उनको आप लोग आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1968 आप हर एक साल के तो साहित्य अकादमी अवार्ड याद नहीं कर सकते हो, लेकिन कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न पूछने के पीछे यही तात्पर्य होता है कि आप अपना माइंड अप्लाई करके उस क्वेश्चन का आंसर निकालो। जैसे मैं आपको बताया कि कई बार मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपको उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दिखेंगे ना उनको ही अवार्ड दिया गया होता है, अमूमन, हमेशा तो नहीं होता है लेकिन अमूमन। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हरिवंश राय बच्चन, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्मी ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी कन्फर्ड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, समझ गए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, ओम प्रकाश मल्होत्रा, गोपाल गुरुनाथ बेऊर, तपीश्वर नारायण रैना या सैम मानेकशॉ। बताइए कौन से ऐसे पहले भारतीय थे जिनको आजादी के बाद फील्ड मार्शल का जो रैंक है वो उनको दिया गया था। तो इट वॉज सैम मानेकशॉ, ठीक है, सैम मानेकशॉ के बारे में आप जानते हैं, ही वॉज द चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी कब थे ये चीफ ऑफ आर्मी, 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था, एट दैट टाइम ही वॉज चीफ ऑफ आर्मी। ये प्रश्न आपसे दूसरे टाइप से पूछा सकता है कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उस समय चीफ ऑफ आर्मी कौन था, आप ध्यान रखिएगा सैम मानेकशॉ वॉज द चीफ ऑफ आर्मी एट दैट टाइम, और इनको फील्ड मार्शल का जो रैंक है वो इनको नवाजा गया था उस रैंक से, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन 1932 ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, हर्बर्ट हेनरी एक्रूथ, एंड्रयू बोनर लॉ, डेविड लेवन जॉर्ज या जेम्स लेवन मैक्डोनाल्ड। ये काफी आसान क्वेश्चन है, आपकी अगर इतिहास की थोड़ी सी भी जानकारी आपको होगी तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही करके आओगे। तो 1932 में किया गया था, अगर बहुत मैं प्रिसाइज बताऊं तो इट वॉज अनाउंस ऑन 16 अगस्त 1932, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, सेपरेट इलेक्टोरेट आप जानते हैं वो इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या हुआ था कि जिस वर्ग के जो लोग थे उनके जो लीडर होंगे वो उसी वर्ग से आएंगे, वही लोगों को वोट करेंगे, ये सेपरेट इलेक्टोरेट था। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो कम्युनल अवार्ड लॉन्च हुआ 1932 में, इन्होंने इस जब लाए अनाउंस किए तो इस समय जो सेपरेट इलेक्टोरेट था इसको क्या किया, इसको और बढ़ा दिया,
दूसरे कम्युनिटी को भी दे दिया, ठीक है। और इसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था, ठीक है, लेकिन आपको अभी इसमें हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। आपको यहाँ इतना याद रखना है कि जेम्स मैक्सवेल डोनाल्ड जो थे वो उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने अनाउंस किया था कम्युनल अवार्ड 1932, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं, व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द ललित कला अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स टू प्रमोट एंड एडवर्टाइज इंडियन आर्ट इन साइड एंड आउटसाइड द कंट्री। देश के अंदर और बाहर भारतीय कला को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने ललित कला अकादमी नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, 1971, 1953, 1960 या 1948, बताइए। ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। किस लिए? प्रमोट एडवर्टाइज इंडियन आर्ट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1954, ठीक है, 1954 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं, बताइए इन विच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड इज गिवन। सरस्वती सम्मान जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए किस क्षेत्र में इस अवार्ड को दिया जाता है, म्यूजिक, लिटरेचर, जर्नलिज्म या डांस। सरस्वती सम्मान अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइए म्यूजिक, लिटरेचर, जर्नलिज्म या डांस। ये जो अवार्ड है वो के बिरला फाउंडेशन जो है उसके द्वारा ये दिया जाना शुरू किया गया था 1991 में, ठीक है। और ये जो अवार्ड है सरस्वती सम्मान ये मिलता है आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क, ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग वर्क है, आउटस्टैंडिंग वर्क है मतलब जो बहुत अच्छी वर्क है किसी भी लैंग्वेज, किसी भी इंडियन लैंग्वेज में, ऑफिशियल जो इंडियन लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अगर आपका कोई भी काम है जो कि बहुत अच्छा है तो उसके लिए आपको सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया जाता है। और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जो आठवीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल जो है उसके अंदर जो भाषा है उसी में ही केवल ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अगर उस भाषा में आपका बहुत अच्छा कोई काम है तो उसके लिए आपको सरस्वती सम्मान अवार्ड से नवाजा जा सकता है। तो इसका आंसर आप समझ गए क्या होगा, इसका आंसर है लिटरेचर, ठीक है, इसका आंसर है लिटरेचर। अगला सवाल देखते हैं, सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग हु आर नॉट ऑनर्ड विद भारत रत्न। ये प्रश्न पहले भी देख चुके हैं, आपको बताना है कि इनमें से उस व्यक्ति का चयन करें जिसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, मोरारजी देसाई, एमजी रामचंद्र, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या विनोबा भावे। बताइए इसमें से कौन से वो गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न नहीं मिला हुआ है। यस, इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न नहीं मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत नहीं मिला है। और श्यामा प्रसाद के मुखर्जी के बारे में जान जाए तो ये मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री थे कब, जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में, कैबिनेट में जवाहरलाल नेहरू के समय ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उनको अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो आज का हम लोग ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन जो अवार्ड से है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ जो सवाल हैं वो देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहे होंगे। प्लीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है अभी इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ बहुत बार रिविज़न कीजिए, जितनी बार रिविज़न करेंगे इस वीडियो को भी आप बहुत बार देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो बुक है ये बुक आपके पास है, इसका भी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को भी आप अभी एक बार जब देख ले तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के इसको एक बार और देख लीजिए, ठीक है। फटाफट आप देख लेंगे तो आपको 15 मिनट 20 मिनट में भी वो काम हो जाएगा। लेकिन आपका जब रिवीजन हो जाएगा ना तो आपकी जो मेमोरी है उसमें ये चीज़ें बैठ जाएंगी, तो एग्जाम हॉल में रिकॉल करने में आपको काफ़ी सहायता होगा। बहुत जल्द हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक प्लीज़ बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा
बाकियों का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि आपके पेरेंट्स दे आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर रिजल्ट। बहुत डेस्परेटली से हमारे पेरेंट्स हमारे रिजल्ट का इंतजार करते हैं। उनको उनके जब बच्चे कई बार उस कदर नहीं होते हैं कि एक अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, फिर भी जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चे से उम्मीद लगाते हैं। इस जो प्लेजर है ना, ये जो प्लेजर है ना, जब आप फोन करके अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि पापा माँ जॉब लग गया मेरा, है ना, मेरा इस डिपार्टमेंट जॉब हो गया, इस मिनिस्ट्री में हो गया पापा, वो जो प्लेजर है ना, वो जो मोमेंट है ना, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज अपनी मेहनत से उस मोमेंट को लाइए और अपने माँ बाप को इस चीज से वंचित मत कीजिए। उनको प्लीज ये खबर सुनाइए, आप हमें ये खबर सुनाइए, हमें बहुत खुशी होगी, पिनाकल की सारी टीम बहुत खुश होगी कि इनके विद्यार्थी SSC में इतने अच्छे रैंक पे आए हैं और इतना अच्छा रैंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसके कई ऊपर अपने माँ बाप के लिए कीजिए और अपने लिए कीजिए। देखिए, आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत खराब हो जाएगी। आगे आने वाले समय में आपने देखा है कोरोना काल में कितनी परेशानी हुई थी, कोरोना काल में कितनी मंदी हुई थी, ये चीजें दोबारा भी हो सकती हैं, है ना। इसलिए एक गवर्नमेंट जो जॉब होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है किसी विद्यार्थी के लिए। सारे रिसोर्स का सही ढंग से सटीक इस्तेमाल कीजिए और प्लीज इस बार जो वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा है, 37,000, और इलेक्शन भी आ रहा है एक साल बाद, तो बाकी भी वैकेंसी बहुत ज्यादा आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, प्लीज वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए बहुत मेहनत कीजिए और एक सीट अपने लिए जरूर आप सिक्योर कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलेंगे 50 नए क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए।